सुंदरी चिड़िया और मुनमुन चिड़िया। सुंदरी चिड़िया की तो रानू को कोई परवाह ना थी, पर मुनमुन चिड़िया की बहुत परवाह थी। सुंदरी चिड़िया सुंदर के साथ साथ समझदार भी थी, और इधर मुनमुन चिड़िया भी बहुत सुंदर थी और समझदार भी, पर इसके बावजूद भी मुनमुन चिड़िया की शादी नहीं हो पा रही थी। इसका कारण क्या था, आइए आगे की कहानी में जानते हैं। सुंदरी चिड़िया, तुम तो जानती ही हो तुम्हारी शादी की मुझे कोई परवाह नहीं, पर मुनमुन चिड़िया की शादी की बहुत परवाह है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम पहले शादी ना करो, पहले मुनमुन की शादी हो जाने दो, उसके बाद ही तुम शादी करना। माँ, आप ये कैसी बातें कर रही हैं, मैं बड़ी हूँ, बड़ी होने के नाते सबसे पहले शादी तो मेरी ही होगी, मुनमुन की क्यों? हाँ सुंदरी चिड़िया, मुझे मालूम है, पर पहले शादी मैं मुनमुन की करवानी चाहती हूँ, क्योंकि मुनमुन की तो शादी ही तय नहीं हो पा रही है उसके पाद मारने की वजह से। तुम्हें तो पता ही है मुनमुन का हाल। हाँ मम्मा, मुझे पता है, पर हमें उसे समझाना पड़ेगा। इस तरह चार लोगों के बीच पाद नहीं मारते, सभी चिड़े भी मौजूद होते हैं। चिड़े हो या चिड़िया, सभी के सामने मुनमुन पाद मार देती है। हाँ बेटी सुंदरी, उसकी इसी हरकत की वजह से तो कोई भी चिड़ा उसे शादी नहीं करना चाहता, नहीं तो चार लोगों के बीच उनके परिवार का अपमान होगा। अब मैं क्या करूँ, मेरी मुनमुन तो सुधर ही नहीं रही, चार लोगों के बीच कैसे रहना है उसे तो कुछ मालूम ही नहीं। मम्मा कोई बात नहीं, आप चिंता ना करें, आप जैसा कह रही हैं मैं वैसा ही करूंगी। पहले मुनमुन की शादी हो जाने दें, फिर मैं शादी करूंगी। इस तरह से सुंदरी चिड़िया अपनी माँ से कहती है। दिन बीत जाता है, सुबह के समय मुनमुन चिड़िया के लिए एक रिश्ता आने वाला था। रानू चिड़िया बहुत ही खुशी के साथ खाना बना रही थी, और उसने सोच रखा था इस बार चाहे कुछ भी हो जाए मैं ये शादी तो करवा कर ही रहूंगी। दूसरी ओर सुंदरी चिड़िया भी निकल जाती है मिठाइयाँ लेने बाजार के लिए। कुछ देर बाद मेहमान आ जाते हैं, सुंदरी चिड़िया और रानू चिड़िया उनके सामने मिठाइयाँ रखती हैं। इस बार उनके घर पर भूरू चिड़ा आया था, जो कि फोटो पसंद कर लेता है मुनमुन चिड़िया की। मुनमुन चिड़िया की फोटो पसंद करने के बाद वो मुनमुन चिड़िया को देखने आया हुआ था। माँ जी, आप मुनमुन चिड़िया को बाहर लाएं, मुझे मुनमुन चिड़िया से कुछ बात करनी है। हाँ बेटा, थोड़ी तो इंतजार करो, हम मुनमुन को लेकर आते हैं, मुनमुन अभी तैयार हो रही है। कुछ समय बाद वहाँ मुनमुन चिड़िया आ जाती है। मुनमुन चिड़िया बहुत खूबसूरत थी, भूरू चिड़िए को मुनमुन चिड़िया पसंद आ जाती है, और इस बार मुनमुन चिड़िया पाद नहीं मारती, जिसकी वजह से जल्दी जल्दी रानू चिड़िया इस रिश्ते को तय कर देती है, और भूरू चिड़ा अपनी माँ के साथ घर वापस आ जाता है। भूरू चिड़िए को भी मुनमुन चिड़िया बहुत पसंद आई थी, उनकी शादी तय हो जाती है। कुछ दिन इसी तरह बीत जाने के बाद भूरू चिड़ा और मुनमुन की शादी हो जाती है। रात के समय भूरू चिड़ा और मुनमुन चिड़िया सोए हुए थे। इस तरह से मुनमुन चिड़िया पाद मार रही थी, तभी भूरू चिड़ा उठ जाता है, मुनमुन चिड़िया भी उठ जाती है। भूरू चिड़ा कहता है, ये तुम क्या कर रही हो, एक बार नहीं बल्कि चार पांच बार तुमने पाद मार दिया, वो भी एक साथ, अगर ऐसे करोगी तो मैं कैसे सो पाऊंगा तुम्हारे साथ। पति जी, मैं आपसे यही बात बताना चाहती थी, मुझे पाद मारने की बहुत गंदी आदत है, मुझे हर एक काम तो बहुत अच्छे से आता है, पर मेरा ये पाद कंट्रोल में नहीं रहता, कभी भी निकल जाता है, मुझे भी इससे दिक्कत है, और यहाँ तक मेरी इसकी वजह से इंसल्ट भी हो जाती है।
चार लोगों के बीच मुझे रहना पसंद नहीं, क्योंकि मेरा इसी तरह से पाद निकल जाता है। ये कैसी हरकत करती हो तुम? ये तुम्हारी माँ ने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अगर तुम इसी तरह से पाद मारती रहोगी तो क्या होगा हमारा? चार लोगों के बीच हमारी तो इज्जत ही नहीं रहेगी। तुम्हारी माँ को ये बात पहले ही बतानी थी कि तुम पाद मारने वाली चिड़िया हो। पति जी, आप चिंता ना करें, मैं चार लोगों के बीच अपने पाद दबा कर रखूंगी। इस तरह कहते हुए ही मुनमुन चार पांच पाद मार देती है। भूरू चिड़ा गुस्से में आ जाता है और मुनमुन को उस कमरे में अकेले छोड़कर वहां से चला जाता है। मुनमुन भी उसके पीछे पीछे चली जाती है। रात का वक्त था, मुनमुन चिड़ा भूरू चिड़िया का पीछा कर रही थी और आ जाती है भूरू चिड़े के पास। भूरू चिड़ा अपने घर के बाहर चांद को देखते हुए खड़ा था, तभी वहाँ पर मुनमुन चिड़िया भी आ जाती है और भूरू चिड़े से कहती है, पति जी आप मुझे माफ कर दें, मैं अब से अपने पाद को दबा के रखने की पूरी कोशिश करूंगी। आप मुझे छोड़कर इस तरह ना जाएं। इस तरह मुनमुन चिड़िया कहती है। बीच बीच में मुनमुन चिड़िया का पाद भी निकल जाता है। भूरू चिड़ा मुनमुन चिड़िया को इस तरह से रोते हुए देखकर सहानुभूति करता है। भूरू चिड़ा चाहे जैसा भी था पर वो दिल का बहुत अच्छा था और पहली ही नज़र में मुनमुन चिड़िया उसे पसंद आ गई थी। भूरू चिड़े को मुनमुन चिड़िया से प्यार हो गया था, इसलिए वो मुनमुन चिड़िया को इस तरह रोते हुए नहीं देख सकता था और मुनमुन चिड़िया से कहता है, मुनमुन मेरी पत्नी, तुम्हें रोने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे इस पाद का इलाज करने की पूरी कोशिश करूँगा और अगर इलाज नहीं भी होगा तो भी कोई बात नहीं, वैसे भी हम दोनों तो घर में साथ रहते हैं, हमें कौन सा चार लोगों के बीच जाना है जो तुम्हें इस तरह से इंसल्ट फील करना पड़ेगा, तुम चिंता मत करो। इस तरह से भूरू चिड़ा कहता है। मुनमुन चिड़िया खुश हो जाती है। मुनमुन चिड़िया को ये बात समझ आ जाती है कि भूरू चिड़ा उससे प्यार करने लगा है और मुनमुन भी भूरू से प्यार करने लगी थी। दिन इसी तरह से बीत रहे थे, दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे, सब ठीक चल रहा था। तभी एक दिन भूरू चिड़े के घर पे आ जाती है उसकी माँ। भूरू बेटा कैसे हो, बहुत दिनों बाद तुमसे मिलना हुआ। चलो कम से कम मिलना तो हुआ, मुझे तुम्हें बहुत ज़रूरी बात बतानी है। हाँ हाँ माँ बताएं, आपको इतना भी ज़रूरी कौन सा काम आन पड़ा जो आप तुरंत अपने घर से हमारे घर पर पहुँच गई। भूरू बेटा तुम्हारे भाई की शादी तय हो गई है, लड़की बहुत सुंदर है, शादी होने ही वाली है, तुम दोनों मेरे साथ चलो, शादी में तुम दोनों का बहुत काम होगा। माँ शादी में जाने में तो कोई दिक्कत नहीं है मुझे, पर आपकी बहू की एक दिक्कत है, मुनमुन चिड़िया की पाद निकल जाती है, हर थोड़े थोड़े देर में पाद निकलती रहती है, जिसकी वजह से चार लोगों के बीच हमारा अपमान हो जाएगा अगर हम जाएंगे तो। बेटा तू ये कैसी बातें कर रहा है, मुनमुन चिड़िया पदौड़ी है, पाद मारती है, अगर इस तरह से वो पाद मारती रही तो चार लोगों के बीच क्या होगा हमारा, मैं अभी उस मुनमुन चिड़िया से मिलकर आती हूँ, कहाँ है वो? आप जाएं मिलने, वो किचन में खाना बना रही है। भूरू चिड़े के इतना कहते ही मुनमुन चिड़िया के पास पहुंच जाती है उसकी माँ। मुनमुन चिड़िया किचन में खाना बना रही थी और बीच बीच में पाद मार रही थी, तभी
पूरू चिड़िया की माँ ये सब देख लेती है और हैरान रह जाती है और अपनी बहू से कहती है, मुनमुन बेटा ये तुम क्या कर रही हो? तुम खाना बना रही हो हल्दी मिर्च डालकर या फिर पाउडर डालकर खाना बना रही हो? इतना भी कौन पालता है? माँ वो मेरी बचपन की आदत है, मेरी बात बस यूं ही निकल जाती है, हर देर कुछ कुछ समय में ही बात निकलती रहती है। बाप रे, मुझे तो लगा था कि छोटी सी समस्या होगी, पर ये समस्या तो बहुत बड़ी है। तुम तो बहुत बड़ी पदौड़ी हो। तुम एक काम करो, चलो मेरे साथ हॉस्पिटल। ये खाना वाना रहने दो, बहुत जरूरी काम है मुझे। चलो चलो मेरे साथ चलो। इस तरह माँ चिड़िया मुनमुन चिड़िया को अपने साथ लेकर जाती है। मुनमुन चिड़िया को हॉस्पिटल में चेकअप करवाती है। डॉक्टर उसका चेकअप करती है और उसके पाद मारने का कारण बताती है। कुछ दवाइयाँ और गोलियाँ भी देती है जिससे मुनमुन चिड़िया का पाद कंट्रोल में आ जाए। गोली दवाई लेने के बाद मुनमुन चिड़िया और उसकी सास घर वापस आ जाते हैं। कुछ दिन इसी तरह से बीतते हैं। मुनमुन के पाद में परिवर्तन नजर आता है। बुरू चिड़िया मुनमुन से कहता है, मुनमुन चिड़िया तुम्हारे पाद में तो बहुत परिवर्तन आया है, अब तो तुम पाद नहीं मारती, क्या बात है? ये सब सिर्फ और सिर्फ माँ जी की वजह से हो पाया है। माँ जी ही मुझे हॉस्पिटल लेकर गई थी और कुछ दवाइयाँ मुझे दिए थे। 10 दिनों तक मैंने उन दवाइयों को खाया और मेरा पाद कंट्रोल में आ गया। वाह मुनमुन, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब हम 4 लोगों के बीच आराम से जा सकते हैं, चिड़ा चिड़े के बीच, और आराम से रह भी सकते हैं। डॉक्टर के पास जाने की वजह से मुनमुन चिड़िया की जिंदगी पूरी तरह से बदल जाती है। मुनमुन चिड़िया शादी में जाती है और घर के सारे काम करती है। मुनमुन चिड़िया को इस तरह से काम करते हुए देख सभी मुनमुन चिड़िया की बहुत तारीफ करते हैं और कहते हैं, भोरू चिड़िया की पत्नी तो बहुत अच्छी है, जितनी वो सुंदर है उतना ही कामकाज वाली है, सारे काम अकेले ही निपटा लेती है। इस तरह से मुनमुन चिड़िया की वाह वाह हो जाती है। प्यारे बच्चों, तो कैसी लगी आपको आज की स्टोरी, कमेंट में बताएं। पाद मारने वाली चिड़िया की स्टोरी कैसी थी? और आपका आज का सवाल यह है कि पाद मारने वाली चिड़िया का पाद कंट्रोल में कैसे आ गया? अगर जवाब पता है तो कमेंट में। ये कहानी है रानो चिड़िया की। रानो चिड़िया खूब मेहनती थी। वो लकड़ी इकट्ठा कर रही थी क्योंकि बारिश का मौसम आने ही वाला था, इसीलिए वो पक्के मकान बनाने के लिए लकड़ी इकट्ठा कर रही थी। मगर बहुत दुख की बात ये थी कि रानो का कोई बच्चा ही ना था, वो अकेली ही रहा करती थी। एक दिन की बात है, नदी किनारे बहुत से पक्षियों के बच्चे खेल रहे होते हैं कि तभी वहाँ रानो भी आ जाती है उन बच्चों के लिए फल लेकर। रानो उन बच्चों से कहती है, बच्चों ये देखो मैं तुम सभी के लिए फल लेकर आई हूँ, तुम सब मिलकर खा लो, वैसे भी ये फल बहुत सारे हैं, तुम सभी के लिए हो जाएगा। आंटी आप कितनी अच्छी हो जो हमारे लिए रोज फल लाती हो, हमारी मम्मा तो हमें सिर्फ दाने ही देती है, उन्होंने तो कभी हमारे लिए इतने प्यार से फल लाए ही नहीं जैसे आप लेकर आती हो, आप तो मेरी फेवरेट हो फेवरेट। सभी पक्षियों के बच्चे रानो को बहुत पसंद किया करते थे क्योंकि रानो के कोई औलाद ना होने के कारण वो खुद ही सारे पक्षियों के बच्चों को ही अपना बच्चा मानती, उन्हें ही भोजन लाकर देती थी। उन पक्षियों में जग्गू भी था। जग्गू की माँ गोरी कौवी थी कि तभी गोरी कौवी भी वहाँ आ जाती है। जग्गू ये फल तुम क्यों खा रहे हो? तुम्हें कितनी बार समझाया है कि रानो का दिया हुआ कुछ भी नहीं खाना है, तुम सुधरते क्यों नहीं? जग्गू तुरंत खाना बंद करो, आज के बाद कभी भी रानो के दिया हुआ कुछ भी नहीं खाओगे तुम। गोरी बहन क्या बात है, आप जग्गू को ऐसे क्यों डांट रही हो? मैंने जो फल लाए हैं वो बिल्कुल साफ सुथरे हैं, उन फलों को खाने से इन्हें कुछ नहीं होगा।
ओहो, अगर अच्छे फल लाई है तो खुद ही खाना या फिर अपने बच्चे को खिला। अरे मैं भी कैसे भूल गई, तेरे तो कोई बच्चे ही नहीं, इसीलिए तो हमारे बच्चों के पीछे पड़ी रहती है। आइंदा से मेरे जग्गू को कुछ भी खाने को मत देना, और ये मैं चेतावनी देती हूँ, बहुत हुआ तेरा। ये सब बातें रानो और गौरी के बीच में चल रहा था कि इधर लाडो भी कब से वहाँ आ चुकी थी और उनकी बातें सुन लेती है। तभी लाडो कहती है, हाँ गौरी बहन, इस रानो को कह दो कि हमारे बच्चों से तो दूर ही रहे। ये रानो की तो परछाई भी हमारे बच्चों के लिए नुकसानदेह है, भला इसके दिए हुए भोजन कैसे खाएंगे वो? कहीं इसके दिए हुए फल खाकर हमारे बच्चे मर ना जाए, इसके बाद तो हम भी इसकी तरह बांझ ना हो जाए। हे भगवान, अब इस रानो को कौन ही समझाए कि हमारे बच्चे से दूर रहा करेंगे। इस तरीके से गोरी और लाडो चिड़िया अपने कड़वे बातों से रानो को खूब दुख पहुंचाते हैं। रानो के तो आंखों में आंसू आ जाता है। फिर रानो वहां से चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और बारिश का मौसम भी करीब था। अब रानो खूब मेहनत करती, रोज वो लकड़ी इकट्ठा करती और अपने लिए एक पक्का मकान तैयार करती। तो यहाँ कुछ ही दिनों में उसका पक्का मकान भी आखिर तैयार हो ही गया। और संयोग की बात ये थी कि अगले दिन ही सुबह से बारिश होनी शुरू हो गई। पूरे जंगल में जोरों की बारिश होने लगी। इधर गोरी कौवी का तो हाल ही बेहाल था। गोरी ने अपने आलस के कारण तो पक्का मकान बनाया ही ना था। गोरी तो घोंसले में ही थी, मगर वो घोंसला भी बारिश के कारण टूटने लगता है और नीचे गिर जाता है। तभी गोरी अपने बेटे जग्गू को साथ लेकर लाडो के घर जाती है। लाडो के घर पहुंचकर, अरे ये क्या, लाडो बहन आपका भी घर गिर गया है? क्या आपने भी पक्का मकान नहीं बनाया था? अब हम क्या करेंगे? हाँ गोरी, मैंने भी पक्का मकान नहीं बनाया था। मुझे लगा कि एक दो दिन बाद बारिश शुरू होगी, तब तक मैं अपना घर तैयार कर लूँगी। मगर बारिश तो अभी से शुरू हो गई, इससे मेरा कच्चा घर गिर गया। अरे गोरी, अब तो ये बारिश भी तेज हो रही है, अब हम क्या करें? कहाँ जाएंगे हम अपने बच्चों को लेकर? लाडो, अब तो एक ही उपाय सूझ रहा है मुझे। मैंने रानो का घर देखा था, उसने तो लकड़ी का बहुत अच्छा पक्का मकान तैयार कर लिया है। क्यों ना हम रानो के घर ही चले, क्या पता रानो हमारी मदद कर दे। मगर गोरी, क्या रानो हमारी मदद करेगी? क्योंकि हमने तो कभी उससे सीधे मुंह बात भी नहीं की। और तो और, इससे भी बुरी बात ये कि हमने तो कितने कड़वाहट से ही हमेशा उससे बात करी है, क्या इन सब के बावजूद रानो हमारी मदद करेगी? लाडो, अब ये तो मैं नहीं कह सकती। अब वहाँ जाकर ही पता चलेगा कि रानो हमारी मदद करेगी या नहीं। अब ज़्यादा देर नहीं करते, वरना हम इस बारिश में भीग कर ही मर जाएंगे। चलो अब चलते हैं। इधर बड़ी बारिश में रानो के घर दस्तक होती है। रानो इधर अपने घर के बाहर आती है तो देखती है वहाँ लाडो होती है और गोरी होती है। रानो देखती है कि उनके साथ साथ उनके बच्चे भी हैं। तभी गोरी का बच्चा जग्गू रानो से कहता है, रानो आंटी, क्या आप हमारी मदद करेंगी? बारिश होने के कारण हमारा घोंसला गिर गया। जब हम लाडो आंटी के घर गए तो लाडो आंटी का घर भी कच्चा मकान था, तो उनका घर भी गिर गया। इसलिए अब इस भारी बारिश हमारे पास रहने का कोई ठिकाना नहीं। क्या आप हमारी मदद करेंगे आंटी? रानो जग्गू की ये बातें सुनती ही है कि उन्हें तुरंत घर के अंदर कर लेती है। बारिश हो ही रहा था, वे सभी घर के अंदर आराम से थे। लाडो और गोरी को कहीं ना कहीं अंदर से मन अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि उन्होंने रानो के साथ कभी अच्छा ना किया था और आखिरकार रानो ही उनके इतना काम आई। तभी गोरी कहती है, रानो बहन मुझे माफ़ कर दो, तुम्हारे बच्चे नहीं हैं, भला इसमें तुम्हारी क्या गलती?
मैं ही मूर्ख हूँ जो हमेशा तुम्हें बुरा भला कहती रही। मैंने कभी भी खुद को तुम्हारी जगह रख कर नहीं देखा कि कैसे तुम अकेले गुजारा करती हो। मुझे माफ़ कर देना रानो, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। हाँ रानो बहन, मुझे भी माफ़ कर दो। हमारे बच्चे ही तुम्हारे बच्चे हैं। इस तरीके से तुमने हमारे बच्चों के लिए फल लाया, इतनी सेवा करी, ये प्यार हम नहीं देखते थे और उल्टा हमेशा तुम्हें ही सुनाया करते थे। मगर अब मैं समझ गई हूँ कि यहाँ भले ही तुम्हारे कोई बच्चे ना हो, मगर तुम एक माँ का फर्ज जानती हो। जिस तरीके से तुमने हमारे बच्चों को प्यार दिया, वैसे तो प्यार हमने भी कभी नहीं दिए। मुझे माफ़ कर दो रानो, मुझे माफ़ कर दो। अरे गोरी और लाडू बहन, मुझे तो आप दोनों की बातों का कभी बुरा ही ना लगा था। ये तो सबकी अपनी अपनी सोच है। ये तो मेरे ऊपर भी है कि मैं किसी के बात को अपने मन पर लेती हूँ या ना लेती हूँ। मैं तो एक कान से सुनती हूँ और दूसरे कान से निकाल देती हूँ, इसलिए मुझे आप दोनों से कोई भी नाराज़गी नहीं है। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सच्चाई जाने बगैर हमें किसी को भी बुरा भला नहीं कहना चाहिए। कहाँ किसकी क्या मजबूरी है, क्या चीज़ उन्हें किस चीज़ के लिए रोकती है, ये हम नहीं जानते। इसलिए कभी भी किसी को दुख नहीं पहुंचाना चाहिए, ना जानते हुए ना अनजाने में, क्योंकि कौन कितना अंदर से दुखी है ये भी हम नहीं जानते। इसलिए हमेशा सभी को प्यार दो और प्यार से रहो। थैंक यू। ये कहानी है रानो की। रानो की दो बेटियाँ थी, एक बेटी सगी थी तो दूसरी बेटी सौतेली थी। रानो की सगी बेटी का नाम गुड़िया था और उसकी सौतेली बेटी का नाम टूनी था। रानो ने अपनी सौतेली बेटी को नदी के किनारे से पाया था। रानो टूनी और गुड़िया दोनों को समान प्यार देती थी, दोनों से बहुत प्यार करती थी, दोनों का ख्याल एक जैसा ही रखती थी, दोनों में एक भी भेदभाव को नहीं किया करती थी। मेरी बेटियों, आज तुम दोनों पहली बार मेरे बगैर भोजन की तलाश में जा रहे हो। याद रहे, बड़ी ही सावधानी से तुम्हें जानी है। और हाँ, नदी के पार तो बिल्कुल भी मत जाना। नदी के पार तुम्हें भोजन की तलाश नहीं करनी, तुम्हें इधर पास से ही भोजन लेकर घर आना है। और हाँ, एक दूसरे का साथ कभी मत छोड़ना, एक दूसरे के साथ ही रहना। माँ, मुझे अपनी सौतेली बहन टूनी के साथ नहीं जाना, मुझे अच्छा नहीं लगता है। इससे अच्छा मैं अकेली चली जाती हूँ। बहन ऐसा ना कहो, मैं तो तुम्हें बहन से भी बढ़कर मानती हूँ। तुम मेरी बहन के साथ साथ एक अच्छी दोस्त भी हो। हम दोनों साथ जाएंगे भोजन की तलाश में, मजा आएगा। टूनी चुप हो जा, मैं तो तुझे अपनी बहन भी नहीं मानती। और आइंदा ना मेरे और माँ के बीच बोलना मत, मैं माँ से बात कर रही हूँ, इसलिए तुम बीच में मत बोल। गुड़िया चुप हो जा, बार बार तुम टूनी को सौतेली क्यों कहती हो, तुम दोनों मेरे लिए बराबर हो। गुड़िया बार बार टूनी को सौतेली कहकर मेरा दिल ना दुखाया करो, तुम दोनों मेरे लिए एक समान हो। जैसी टूनी है वैसी तू है, और दोनों मेरे लिए सगी से बढ़कर हो। लड़ाइयाँ करना बंद कर दो, शांति से जाओ। और हाँ याद रहे, नदी के पार बिल्कुल ना जाना, साथ साथ रहना, साथ साथ भोजन लेकर आना। दोनों को मेरी बात माननी है, ठीक है। फिर दोनों गुड़िया और टूनी निकल जाते हैं भोजन की तलाश में। उड़ते उड़ते वो बहुत दूर पहुँच जाते हैं, तभी टूनी को एक आम का पेड़ नजर आता है। टूनी और गुड़िया दोनों उस आम के पेड़ पर जाते हैं। दोनों आम के पेड़ पर बैठते हैं। गुड़िया, अच्छा हुआ मैंने ये आम का पेड़ देख लिया। चलो अब हम दोनों यहाँ से आम खा लेते हैं और माँ के लिए भी आम ले जाते हैं। नहीं नहीं, ये आम के पेड़ तुमने देखा है, मैं यहाँ से ना ही आम खाऊंगी ना माँ के लिए लेकर जाऊंगी। घर जाते ही माँ बस तुम्हारी तारीफ करेगी और मेरा तो कोई मतलब ही नहीं होगा, इसलिए मैं और दूर जाऊंगी,
माँ के लिए और भी अच्छा स्वादिष्ट फल ढूंढ कर ले जाऊंगी। गुड़िया, मगर क्यों तुम ऐसा क्यों कह रही हो? यहाँ तो बहुत से आम हैं। मैंने देखा पहले या तुमने देखा, बात तो एक ही है, यहीं से हम आम ले लेते हैं। यहाँ आम की कमी भी नहीं है और हम घर चलते हैं, वरना शाम भी होने को है। हाँ हाँ पता है, यहाँ बहुत से आम हैं, मगर मैंने कहा ना, तुम्हारे खोजे हुए पेड़ से मैं कुछ नहीं लूँगी। मैं अपनी माँ के लिए और भी अच्छा स्वादिष्ट भोजन ढूंढ लूँगी। वे दोनों पहले ये बातें कर रहे होते हैं, तभी उनकी बातें लड़ाई में बदल जाती है। तभी वहाँ जग्गू आ जाता है। जग्गू कौवा उस जंगल का सबसे शैतान कौवा था। अरे अरे क्या बात है चिड़िया बहनों, तुम दोनों लड़ाई क्यों कर रही हो? अरे जग्गू मेरे दोस्त, अच्छा हुआ तुम आ गए। मुझे भोजन की तलाश करनी है और स्वादिष्ट फल ढूंढने हैं। क्या तुम जानते हो इस जंगल में और अच्छे अच्छे स्वादिष्ट फल कहाँ मिलेंगे? क्योंकि मैं इस आम के पेड़ से एक भी आम न खाने वाली न माँ के लिए लेकर जाऊंगी, क्योंकि इसकी खोज मेरी सौतेली बहन टूनी ने की है। हाँ हाँ गुड़िया, मैं जरूर इस जंगल का कोना कोना जानता हूँ। मैं तुम्हें एक अच्छे से जगह में ले जा सकता हूँ, जहाँ बहुत सारे प्रकार के स्वादिष्ट फल हैं। तुम मेरे साथ चलो। गुड़िया, मैं तुम्हें इस जग्गू के साथ अकेले नहीं छोड़ सकती। माँ ने कहा है हम दोनों को साथ साथ रहना है। मैं भी जाऊंगी तुम दोनों के साथ। वे तीनों निकल पड़ते हैं। उड़ते उड़ते वे बहुत दूर तक जा रहे होते हैं। जग्गू तो एक शैतान कौवा था, उसके दिमाग में तो शैतानी ही चल रही थी। वो किसी गलत काम के लिए अपने साथ गुड़िया को ले जा रहा था। उड़ते उड़ते वे नदी के पास पहुंचते हैं, तभी वहां गुड़िया और टूनी रुक जाते हैं। उनके रुकने पर जग्गू कहता है, अरे गुड़िया, तुम्हें रसीले फलों का आनंद नहीं लेना क्या? तुम चलो मेरे साथ, यहाँ क्यों रुकी हो? नहीं जग्गू, गुड़िया तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। माँ ने नदी पार करने से मना किया है। हम दोनों इस नदी के पार नहीं जा सकते। अब मैं अपनी बहन गुड़िया को लेकर घर जाऊंगी। हाँ जग्गू, टूनी सही कह रही है, माँ ने नदी पार करने से मना किया है। गुड़िया, इस नदी के थोड़ी ही दूर में बहुत सारे फलों का बगीचा है, जहाँ तुम मनचाहा फल लेकर खा सकती हो और अपने माँ के लिए भी ले जा सकती हो, जिससे तुम्हारी माँ काफी खुश हो जाएगी। हाँ हाँ जग्गू, तुम सही कह रहे हो, माँ पक्का खुश हो जाएगी। चलो मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। नहीं नहीं गुड़िया, मैं तुम्हें इस जग्गू के साथ नहीं जाने दूंगी। ये जग्गू तुम्हें जरूर फंसा देगा। तुम मेरे साथ चलो, घर चलो, शाम भी होने को है। माँ हमारा घर पर इंतजार कर रही होगी। मगर गुड़िया टूनी की एक नहीं सुनती, वो जग्गू के साथ उड़ जाती है। टूनी अकेली हो जाती है, वो घर को लौटती है। इधर जग्गू और गुड़िया उड़ते उड़ते आखिरकार उस बगीचे में पहुंच जाते हैं। वो बगीचा तो किस्म किस्म के फलों से भरा हुआ था। ये देख गुड़िया काफ़ी खुश होती है, मगर वो बगीचा चील का था। चील वहाँ हमेशा अपने बगीचे की निगरानी कर रही होती है। इधर गुड़िया और जग्गू चील से बचकर फल चुराने का सोचते हैं। दोनों प्लानिंग कर रहे होते हैं। उनका प्लान रेडी हो गया। जग्गू ने कहा, गुड़िया तुम जाकर फलों को तोड़ो और चोरी चोरी यहाँ लाकर इकट्ठा करो। मैं चील अंकल पर नजर रखता हूँ, अगर वो इधर आया तो मैं तुम्हें जल्दी से इशारा दे दूंगा, जिसके बाद हम दोनों यहाँ से फरार हो जाएंगे। इस तरह जग्गू की बात मानकर गुड़िया वहाँ से फल तोड़ने निकल जाती है। जग्गू तो एक झाड़ में छुपा चील की निगरानी कर रहा था। कुछ देर बाद चील अब गुड़िया की तरफ उड़ जा रही थी, उसे अब उधर की निगरानी रखनी थी। जग्गू ये चीजें देख लेता है, मगर जग्गू सोचता है,
अगर मैं अभी चिल्लाया चील अंकल तब मुझे देख लेगा और मुझे भी इस गुड़िया के साथ पकड़ कर मार कर खा सकता है। इससे अच्छा है कि मैं यहाँ से फरार हो जाऊँ। इस तरह कहकर जग्गू तो वहाँ से उड़ जाता है। चील ने तो गुड़िया को अब देख लिया, उसे पकड़ लिया। अच्छा तो तुम ही हो जो रोज यहाँ से फल चुराती हो, आखिरकार मैंने तुम्हें पकड़ ही लिया। नहीं नहीं चील जी, मैं वो नहीं हूँ, मैं तो आज यहाँ पहली बार आई हूँ, मेरा यकीन करिए। मैंने तो यहाँ जग्गू के साथ पहली बार आया है, जग्गू ने ही ये पता मुझे बताया है। इधर टोनी घर पहुँच जाती है। घर पहुँचते ही रानो चिड़िया को वो सारी सच्चाई बता देती है। रानो ये बात सुनते ही तुरंत अपनी बेटी टोनी के साथ निकल पड़ती है अपनी बेटी गुड़िया की खोज में। वे तो उड़ते ही जा रहे थे। इधर दूसरी तरफ चील और गुड़िया की बातें तो खत्म ही हो गई थी। आखिरी वक्त चील कहती है, चिड़िया ये तुमने बिल्कुल ठीक नहीं किया, अगर तुम्हें फल चाहिए थे तो तुम मुझे भी कह सकती थी। मेरे बगीचे से कई दिनों से फल चोरी हो रहे थे, आखिरकार तुम पकड़ा ही गई हो। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हें मार कर खा जाऊंगी। चील तो गुड़िया को मारने ही जा रहा होता है, तभी वहाँ रानो चिड़िया अपनी बेटी टोनी के साथ और जग्गू के भी साथ आ जाती है। जग्गू को टोनी और रानो ने पकड़ कर वहाँ ले आया था। चील अंकल, मेरी बहन गुनहगार नहीं है, आपका गुनहगार ये जग्गू है। हाँ चील जी, मेरी बेटी टोनी सही कह रही है, मेरी दोनों बेटियाँ टोनी और गुड़िया आज पहली बार इतनी दूर भोजन की तलाश में आए हैं, वो भी अकेले। वो तो नदी को कभी पार ही नहीं करते थे, आज पहली बार वो नदी के पार आई है। मेरी बेटी गुड़िया जग्गू के बातों में आकर ये कदम उठाई थी। आपका गुनहगार मेरी बेटी नहीं जग्गू है। जग्गू, क्या रानो चिड़िया सही कह रही है? सच सच बताओ, अगर तुमने अभी झूठ बोला तो मैं तुम्हें तुरंत मार दूंगी। अगर सच कहा तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगी, तुम्हें कोई सजा मिलेगी। चेल चेल जी, मुझे माफ कर दीजिए। हाँ मैं ही हूँ आपका गुनहगार, मैं ही उतने दिनों से यहाँ से बगीचे से रसीले फलों की चोरी करता था। इसमें गुड़िया की कोई गलती नहीं है, आज गुड़िया मेरे कहने के बाद यहाँ आई है, मेरी ही गलती है, मुझे माफ कर दीजिए। चील अंकल मुझे माफ कर दीजिए, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। जग्गू की ये बातें सुनते ही चील गुड़िया को छोड़ देता है। गुड़िया सबसे पहली अपनी बहन टोनी के पास आती है और कहती है, टोनी मेरी बहन मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें हमेशा सताया है, तुम तो मेरी सगी बहन से भी बढ़कर हो, आज के बाद मैं तुम्हें कभी नहीं चिढ़ाऊंगी, मैं माँ और तुम हम तीनों खुशी खुशी रहेंगे। इस तरह रानो अपनी दोनों बेटियों टोनी और गुड़िया को लेकर वहाँ से उड़ चलती है अपनी घर की ओर। और इधर दूसरी तरफ जग्गू को जेल ने सजा दे दी थी। सजा के रूप में जग्गू को पूरे बगीचे की जिंदगी भर रखवाली करनी थी, ताकि कोई बगीचे में से कुछ भी चोरी ना कर सके। ये सजा जग्गू को जिंदगी भर के लिए मिली थी। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमारी गलतियों की सजा हमें एक न एक दिन जरूर मिलेगी, इसलिए अपनी गलती को मान ले, खुद को माफ कर ले और माफ़ी मांग ले, जिससे आपके मन में कोई बोझ नहीं रहेगा और आप एक अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं। दोस्तों आपसे बस ये एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जल्दी से एक